एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की ये वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ एक होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत 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 ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपके हेयर के लिए। और इससे आपकी जो हेयर प्रॉब्लम है तो इससे 4 हेयर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड क्या होता है कि जो ये होम रेमेडीज़ होती है उसे थोड़ा सा टाइम लगता है काम करने में, तो आपको इसे लॉन्ग टाइम के लिए यानी कि आप 3 मंथ तक यूज़ करके देखें तो आपको रिज़ल्ट पता चल जाएगा। एंड अगर आप 3 मंथ के लिए यूज़ करते हैं तो इसका जो रिज़ल्ट होगा ना वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। एंड आप खुद आके कमेंट करके बताएंगे कि आपको इससे क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या इसका रिज़ल्ट मिला है आपको। तो आपको इसे रेगुलर यूज़ करना है जो कि मैं आके ये रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। एंड इससे आपकी जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है ये दूर हो जाएगी। एंड इससे जो ये बाल बहुत ही ज़्यादा, एक तो यहाँ से तो ठीक होते हैं बट नीचे से नीचे जाते जाते ना वो बहुत ही ज़्यादा पतले हो जाते हैं, तो चोटी करने में ना बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो इसकी वजह से कई लोग चोटी करते ही नहीं है, सीधे जूड़ा बना लेते हैं। तो बस ये प्रॉब्लम जो थिन हेयर होती है तो ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, पतले हेयर की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी, जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। एंड बहुत ज़्यादा हेयर फॉल वगैरह होता है तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो इससे इस सारी प्रॉब्लम आपके ख़त्म हो जाने वाली है एंड हेयर की जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी होगी, फास्ट होगी एंड हेयर बहुत ही ज़्यादा थिक होंगे। तो इतने सारे फ़ायदे हैं इस होम रेमेडी के। तो चलिए इसे कैसे बनाना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ वीडियो में। एंड हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड इस होम रेमेडी को आपको रेगुलर यूज़ करना है तभी आपको इसका फ़ायदा मिल पाएगा और फ़ायदा आपके हेयर में दिखेगा एंड इससे पक्का आपको फ़ायदा होगा ही होगा। लेकिन हाँ, अगर आप एक बार यूज़ करते हैं, 2 बार यूज़ करते हैं तो फिर आपको कोई फ़ायदा इससे नहीं होने वाला है, क्योंकि 1-2 बार यूज़ करने से क्या पता चलेगा। और होम रेमेडी है तो ये थोड़ा सा टाइम लेती है ऐसे। तो आप इसे जैसे आप वीक में अगर 3 बार बाल हेयर वॉश करते हैं तो आप इस रेमेडी को 3 बार यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 2 बार करते हैं तो इस रेमेडी को 2 बार यूज़ करें। 1 बार करते हैं तो 1 बार तो पक्का ही यूज़ करना है आपको। एंड वीक में अगर आप 2 बार यूज़ नहीं कर पा रहे तो 1 बार तो आपको पक्का यूज़ करना ही है, तभी आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा। तो बहुत हो गई। तो यहाँ पर इस रेमेडी आगे देखते हैं, मैंने यहाँ पर इस रेमेडी को आपको कैसे बनाना है एंड इसे कैसे अपने शर अपने हेयर में अप्लाई करना है। तो ये भी मैं बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक वॉच करें। इसके बाद यहाँ पर मैं 1 चम्मच भर के कैस्टर ऑयल डाल रही हूँ। कैस्टर ऑयल डालना ही है आपको और इसे ग्राइंड कर लेना है इस तरह से, और इसके बाद इसका पेस्ट बना लेना है और इसे अपने हेयर में अप्लाई करेंगे। आप चाहे तो इसमें दही का यूज़ ज़्यादा कर सकते हैं और इससे थोड़ा सा थिन पेस्ट बनेगा एंड थोड़ा सा पेस्ट इसका पतला बनेगा, तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। और क्योंकि ना हल्का सा ना हेयर वॉश करने के बाद ना ये मेथी दाना जो है तो ये थोड़ी सी स्टिकी हो जाती है, तो हेयर में थोड़ा सा रह जाता है हेयर वॉश करने के बाद भी। बट अगर ऐसा भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ही आपके हेयर ड्राई होंगे वो ऑटोमेटिकली कॉम से निकल जाएगा, तो मैं पहले ही ये बता दे रही हूँ। तो ऐसा भी हो सकता है, बट आप अगर इस तरह से करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और हेयर में अगर रह भी जाता है तो बाद में ये निकल जाएगा, अपने आप ही निकल जाएगा, जैसे हेयर ड्राई होगा ये निकल जाएगा। तो आप इस तरह से करें एंड कैस्टर ऑयल आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डालना, तो ये डालना ही है। बस ये 3 चीज़ें लेनी है और इसे मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से मैं अपने हेयर के 2 पार्टीशन कर रही हूँ और इस तरह से 2 पार्ट में करके फिर लगाना है। तो ये आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसमें इसे अप्लाई कर रही हूँ। और अगर आपके हेयर शॉर्ट है, छोटे हैं, तो आप 2 से 3 चम्मच
ये मेथी दाना ले सकते हैं, क्योंकि ये फूलने के बाद ना ये डबल हो जाता है, तो आप बहुत ज़्यादा ना लें। और अगर आपके हेयर मेरी तरह से बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, और इस तरह से अपने बालों में लगाना है इसका पेस्ट। तो ये देख सकते हैं आप, और इसके बाद इसे लगाने के बाद आपको कम से कम आधे घंटे के लिए इसे छोड़ देना है ऐसे ही लगे हुए। उसके बाद आपको हेयर वॉश करना है। तो चलिए अब इसके फ़ायदे क्या है वो जान लेते हैं। देखा जाए तो मेथी दाना जो है वो हेयर के लिए वरदान है, और ये बालों को मोटा काला घना बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। एंड मेथी दाना खाने में भी उतना ही ज़्यादा फ़ायदा देता है अगर आप इसे खाते भी है तो। और जो दही होता है वो हेयर को नरिश करता है, स्कैल्प को नरिश करता है, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और शाइनी भी बनाता है बालों को। और जो कैस्टर ऑयल होता है उसके क्या फ़ायदे हैं ये तो पता ही होगा आप सभी को। तो जो कैस्टर ऑयल होता है वो हमारे हेयर को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है, थिक बनाता है, यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त के फ़ायदे इस होम रेमेडी से मिलने वाले हैं आपको। तो आप ये होम रेमेडी ट्राई करें, मैं कहती हूँ बस 3 मंथ के लिए आप इसे ट्राई करके देखिए, आपको बहुत ही ज़बरदस्त का अपने हेयर पे बदलाव नज़र आएगा। और ये जो होम रेमेडी है ये बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, एंड इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है। तो ये है होम रेमेडी के बेनिफिट्स, तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, इस होम रेमेडी को आपको पक्का फ़ायदा होगा ही।